मध्य प्रदेश के हरदा जिले में दो दिन पहले बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मामला यह है कि विभाग का बड़ा दावा है कि हर संभव सुविधा मिलेगी, निशुल्क उपचार पर जच्चा और बच्चा दोनों को प्रसव के बाद सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकारें जिले में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं में करोड़ों रुपए का सालाना बजट सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि माता और शिशु की जान बचाई जा सके और गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण आहार मिल सके। इन योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 1 अप्रैल 2015 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक 66 नवजात शिशुओं ने अपनी जान गंवाई, जिससे साफ जाहिर होता है सरकार कितनी लापरवाह है। सीएम का हरदा जिले से ज्यादा लगाव होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों में कहते हैं कि हरदा जिला हृदय नगरीय है और हरदा जिले को हर योजना का लाभ मिलेगा। इसी तरह सभी जिलों के स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस लापरवाही की खुलासा करने के लिए जब जांच पड़ताल की तो यह मामला खुलकर सामने आया। कई बार तो मशीनें उपलब्ध होने के बाद भी मशीनों की कमियों का हवाला दिया जाता है। आखिर कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार? डॉक्टरों की भी लापरवाही शामिल है। वहीं एक दूसरा मामला सामने आया जिसमें विगत समय में अस्पताल की लापरवाही के चलते मासूम बच्चे को खाली इंजेक्शन सिलेंडर लगा दिया गया था, जिसको लेकर परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं परिजन जन सुनवाई के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो रहे। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।